हरदा हादसे के बाद एनजीटी ने कड़ा रुख अपना लिया है। एनजीटी ने शासन को सख्त नियम बनाकर उनका पालन कराने के निर्देश भी दिए हैं। नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच की अवमानना याचिका पर एनजीटी ने सहमति जताई है। सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के पालन करने के निर्देश भी दिए हैं। एनजीटी ने 3 हफ्ते के अंदर सरकार से रिपोर्ट भी मांगी है। अगली सुनवाई 8 मार्च को होगी। हर फटाका व्यापारी और हर फटाका स्टॉकिस्ट जो बड़े बड़े व्यापारी होते हैं उनसे अंडरटेकिंग ली जाए और उनकी सैम्पलिंग की जाए कि वो किस प्रकार के फटाके बेच रहे हैं और उनसे अंडरटेकिंग ली जाए कि कहीं वो प्रतिबंधित फटाके बेच तो नहीं रहे हैं। तो उस आदेश का परिपालन पूर्णतः सक्षम अधिकारी द्वारा नहीं किया गया। तो एनजीटी ने इसको गंभीरता से लिया कि यदि इस आदेश का परिपालन किया जाता तो हरदा जैसी घटनाओं को रोका जा सकता था। इसके लिए एनजीटी ने आदेश किया है कि 3 हफ्ते के अंदर जवाब प्रस्तुत करें एवं इस मामले की अगली सुनवाई 8 मार्च को तय की है। अंबिकापुर में निजी स्कूल की कक्षा 6वीं की छात्रा के सुसाइड करने के बाद जिला प्रशासन और सरगुजा एसपी ने बड़ा एक्शन लिया है। जिले के सभी ब्लॉकों के निजी स्कूलों के प्राचार्य और संस्था प्रमुखों की बैठक ली है और बैठक में स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों से अच्छा व्यवहार करने के भी निर्देश दिए हैं। उनको एक बार हम ट्रेनिंग देंगे कि किस तरह से साइकोलॉजी बच्चों का साइकोलॉजी को समझना कैसे और अगर कोई इशू उसको कैसे ट्रीट करना है। साथ में पीटीएम जो होता है पैरेंट टीचर मीटिंग में उनमें भी हम साइकोलॉजिस्ट को भेजेंगे कि आपको बच्चों को साइकोलॉजी समझना कैसे, उससे क्या है घर वालों को भी थोड़ा सा पता चलेगा, स्कूल में भी क्या होता है वो भी हम उनको पता चलेगा, इस तरह से जो इंसिडेंट भविष्य में ना। 305 में एक गिरफ्तारी हुई है, मैं उस पूरे एंगल की जांच करा रहा हूं, मैं और भी गिरफ्तारी करूंगा अगर कोई सबूत मिल जाता है मुझे, क्योंकि बच्चे की जान से बड़ी कोई चीज नहीं होती। अतिक्रमण को लेकर सरकार ने अपनी सभी एजेंसी को सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं और इसके तहत कोरबा जिले और अंचल में भी इस प्रकार की कार्रवाई लगातार जारी है। नगर पालिका निगम की टीम ने ट्रांसपोर्टर नगर चौराहे के पास व्यवसाय कॉम्प्लेक्स के सामने बनाई गई दीवार को अवैध मानते हुए उसे नष्ट करने की कार्रवाई की। ट्रांसपोर्ट नगर क्षेत्र में परिवेश कॉलेज के द्वारा पार्किंग क्षेत्र में ही कंजवाल खड़ा कर दिया गया था, तो उसको आज हटाने कार्रवाई की गई। तब संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई क्योंकि पार्किंग एरिया प्रभावित हो रहा है और उसे तत्काल संज्ञान लेते हुए कमीशन मौजा के निर्देशन हटाने कार्रवाई। बिलासपुर में महिला की जमीन पर माफियाओं ने कब्जा कर लिया, अवैध रूप से कब्जा किया। भूमाफियाओं ने राजस्व विभाग के लोगों के साथ मिली भगत कर जमीन को अपने नाम कर लिया। बता दें कि 70 वर्षीय मंगतीन बाई की जमीन पर कुछ भूमाफियाओं ने कब्जा कर लिया। जब महिला ने इसकी शिकायत राजस्व विभाग में दर्ज कराई तो वहां भी महिला की सुनवाई नहीं हुई। इस मामले पर राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि 3 स्तरीय राजस्व शिविर के जरिए किसानों की समस्या का निराकरण किया जा रहा है ताकि उन्हें कार्यालय का चक्कर काटना ना पड़े। साथ ही ऐसे मामलों पर तत्काल जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने का भी आश्वासन दिया है। कब्जा बहुत दिन कब्जा, इसमें अपन खेती किसानी करते रहे, गुजर बसर करते रहे, तो कौन कब्जा हमारे का नाम है रामायण, रामायण हर वह पैसा भर के अपन कब्जा करे थे। तो अभी जमीन हमरे नाम रही से, फिर का जमीन हमारे नाम रही से, 20-30 मिल जमीन रही से, जगह हमार का थे रामायण है, अपन नाम ये कल है पटवारी पैसा घुसा दे के हमार मोर बाई के नाम वह रही से, मंगदीन के नाम जमीन है, तो अपन नाम करवा ली रामायण है, तो अगर पेशी चला रही से बिलासपुर में तो पेशी में हर पेशी में हम जात रहे हैं। और अभी का हुई से अभी अब अपन नाम चढ़वा डर है रामायण है, का चाहता आप तुम अब वो कार्रवाई हो चाहिए। हम जो है राजस्व विभाग में पारदर्शिता लाने के लिए किसानों की समस्याओं के हल के लिए हमने 3 स्तरीय शिविर का आयोजन किया है। एक RI लेवल पे, अगर उस लेवल पे कोई समस्या का समाधान नहीं होता है तो उसको फिर तहसील स्तर तक ले जाएंगे और तहसील में यदि निराकरण नहीं होता तो उसको जिला स्तरीय पे, हमारा प्रयास है
कि किसानों की समस्याओं का समाधान हो और जो छोटे छोटे काम हैं, सीमांकन है, बटांकन है, नामांतरण है, जो अविवादित प्रकरण है उसके लिए भी चक्कर मारते हैं, तो चक्कर मारना मत पड़े, किसानों को सुविधा हो, इसके लिए हमने 3 स्तरीय शिविर का आयोजन किया है।